So finally, I decided. So hello, namaste, adab, sat sri akal. तो कैसे हो आप सब? I hope आप सब एकदम बढ़िया होंगे. So welcome to my YouTube channel, guys. So जैसे कि आपने title तो पढ़ ही लिया होगा, finally I decided. So what I decided? So guys, बड़ा सोच समझ के मैंने ये decision लिया है कि अब से मैं vlogging शुरू कर रहा हूँ. हाँ जी guys, अब से मैं vlogging शुरू कर रहा हूँ. But ये decision लेना इतना ईजी नहीं था मेरे लिए. और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा. तो आप फ्लैशबैक में जाके आओ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ. सो कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि ये बात है 2020 की, जब मैंने 12th की एग्ज़ाम देने के बाद डिसाइड कर लिया था कि मैं अब व्लॉगिंग शुरू करूँगा. वो कहते हैं ना, किसी काम को सोचना और किसी काम को करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. तो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ. सो उस काम को ना करने के लिए दिमाग में ना जाने 100 से ज़्यादा एक्सक्यूजेस आने लगे. उनमें से कुछ इस प्रकार हैं. अबे तेरे पास तो घटिया फ़ोन है, पास तो ना तो कैमरा ना तो ट्राइपॉड है. अबे तेरे बस की है भी, तू तो मिडिल क्लास बॉय है, तेरे तो लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं है. बाइक है, दोस्त मजाक बनाएंगे यार. अबे लोग क्या बोलेंगे यार, दोस्त हंसेंगे, अबे मजाक बनाएंगे यार. इस थॉट को तो मैं फिर भी ओवरकम कर लेता, बट मेन रीज़न ये था कि 12th का रिजल्ट भी आ चुका था. और 12th के रिजल्ट के आने के साथ साथ लोगों के क्वेश्चन भी आना शुरू हो गए थे. जैसे अपनी शर्मा आंटी को ही देख लो. पीछे मेरी लड़की की तो 99% आई, वो तो छे की तैयारी कर रहा है, तुमने सोचा भी है कुछ क्या करने आया कि? बेटा वैसे कुछ सोचा भी है फ्यूचर में करना क्या है? हाँ अंकल, सोचा है ना, मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पे व्लॉगिंग चैनल खोल लो. अरे बेटा कहाँ ये यूट्यूब के चक्कर में अपना दिमाग खराब करो, पढ़ाई लिखाई करोगे सरकारी नौकरी लगेगी, लाइफ सेट हो जाएगी. ये यूट्यूब से कुछ नहीं होता, पढ़ाई लिखाई कर लो. गाइस यही वो सारे रीज़न थे जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गया था. मुझे लगा कि ये लोग सही हैं, मैं ही गलत हूँ. तो गाइस इस वीडियो के थ्रू बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप में से कई लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे. आप भी चाहते हो कुछ करना, बट आप भी इन्हीं सब रीज़न के कारण ऑफेंड हो के बस लेट गो कर देते हो चीज़ों को. बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे भी देर से समझ आया, पर वो सही कहा है, किसी ने देर आए दुरुस्त आए. तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार आप जो चाहते हो दिल से करना, एटलीस्ट उसको विदाउट फोकसिंग ऑन रिजल्ट, जैसे उसे करके देखो, है ना. हमें रिजल्ट का सोचना ही नहीं, रिजल्ट जो भी आए. बट एटलीस्ट हम अगर अपनी 40, 50, 60 की उम्र में पहुंच जाए और तब हम वहाँ पर सोच के रिग्रेट करें कि यार खास हमने कर लिया होता. सो जो रिग्रेट वाली फीलिंग होती है ना, बहुत ही ज़्यादा अजीब होती है. इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आई विल अपलोड अ व्लॉग एवरी सिंगल थे. वाह क्या इंग्लिश बोली मैंने. सो गाइस आई विल अपलोड अ व्लॉग एवरी सिंगल डे. तो फिर आपसे कल मिलते हैं अपने सबसे पहले व्लॉग पे. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठे रहो. तो वैसे भी व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ तो व्लॉग देखते रहना. तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू गाइस टुमारो. अच्छा एक बात रहेगी बोलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. यार अब तो व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ. भयंकर तू बोल रहे पीछे से फालतू का.